स्वागतम बहुरानी, इस घर की हम सबकी युवरानी। अपने पूरे परिवार समेत एक गाना रिकॉर्ड करके बहू को निमंत्रण देने वाले बड़े लोगों के शगुन के वक्त आखिर गायब होने का कारण है क्या? एक चाय वाले की बेटी के साथ डायमंड ग्रुप के एक लौदे वारिस ने क्यों इस प्रकार ऐसे खेला, ये हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। ये मीडिया के पास कैसे चला गया? सर किशोर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? टीवी देखा? अर्जेंटली ये रोकने को कॉल, डू इट नाउ। सर आपके बोलने से पहले ही कॉल किया था सर, लेकिन लाइव में मुश्किल है, ऐसा कह के काट दिया। राम बाबू कहाँ है? कुमार कहाँ है? क्यों, क्या हो रहा है यहाँ? मेरा एक नाम है, ब्रांड है, अगर उसे डैमेज किया तो चैनल का भी लिहाज नहीं करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा, केस फाइल करूंगा। सर आपके खिलाफ कंप्लेंट इन्होंने की है, अब आपको जो भी बातें करनी है इनके सामने लाइव आमने सामने बैठकर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। बिजनेस टाइकून अवार्ड लेकर बीबीसी प्राइम टाइम में बैठना चाहता था, लेकिन आज चाय वाले के पास बैठना पड़ रहा। कर्मा कर्मा। हेलो मास्टर, आप अपनी जगह रहिए और हमें अपनी जगह रहने दीजिए। कहाँ है तुम्हारी जगह, कहाँ है बताओ मुझे। मेरे पास एक ब्रांड है, इट्स कॉल्ड डायमंड। तुम्हारे पास क्या है, क्या है तुम्हारे पास? सर आप ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते। द पॉइंट इज, मेरे बेटे ने इनकी लड़की से लव नहीं किया था, दैट्स इट। तो किससे लव किया था? ये क्या है, वो सारे वीडियो देखने के बाद भी ये सवाल कर रही है? अरे अंकल के दुश्मन, वो टी स्टॉल वाले की बेटी के लिए नहीं, उसने जिससे प्यार किया था उसके लिए था। तो बताइए वो लड़की है कौन? दरअसल वो पर्सनल है, नाम नहीं बता सकते। सर अच्छी कहानी बना लेते हैं, हमसे अच्छा रिश्ता आने की वजह से सडनली शिफ्ट हो गए। तुमसे अच्छा रिश्ता मतलब क्या है? मूंगफली की दुकान, सब्जी मंडी, टिफिन सेंटर या क्या है वो, बताओ ना मुझे। एक बात देखिए, इनका बेटा हमारी बेटी से बहुत प्यार करता था। सामने वाले के शरीर पर ब्रांडेड कपड़े देख कर मुँह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पीने के पानी से लेकर निकालने के लिए कमोड तक हर चीज में ब्रांड चाहिए। काम वाली को 1.5 लाख का लुई विटों बैग दे दिया, मतलब समझ गए वही ओरिजिनल टेस्ट है। तू बहुत बोल रहा है, मार खाएगा बोल देता हूँ तुझे। इसका ब्रांड नहीं होता, उसे इंसान नहीं मानते हम। ऐसे में मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से डीपली लव करता था, नॉनसेंस। ये देखो 10 लाख ओरिजिनल ओमेगा। क्या हुआ, काम नहीं कर रही है? रास्ते का माल है ना, 150 रुपए में खरीदी होगी डुप्लीकेट। तुमने इसे असली समझकर हमारे साथ यहाँ बिठा दिया बात करने के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसे ही चेहरे आपके स्टूडियो में दिखते रहे तो आपके प्रोग्राम के कमर्शियल ब्रेक में हमारे ब्रांड का एड देने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। स्टॉप दिस नॉनसेंस। सर सर सर, मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी के बारे में सोचिए। शादी का नाम मत लो, इरिटेशन होती है। वैसे भी ऑटो चलाने वाले को ऑटो वाले की बेटी से ही शादी करनी चाहिए, ऑटो मिल जाता है दहेज में। जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो, हमारी बराबरी करोगे तो मुंह के बल गिरोगे, समझ गए? देख लिया ना, पैसों का अहंकार और ब्रांड का घमंड। तो फिर अब आप क्या करना चाहते हैं? उनके पैसों से हमारा स्वाभिमान बड़ा है, ये साबित करके रहेंगे हम लोग। सुनिए, आज जहाँ हमारी बेटी है वहाँ कल आपकी बच्ची हो सकती है। सामने वाला कोई सुपराव या पराव हो सकता है, पर सहन नहीं करना। गरीब लोग इंसान नहीं, एक ब्रांड हैं, ये साबित करते हैं। सारी फैमिली का समाज से बहिष्कार करते हैं। गरीब और मध्य वर्गियों को उनका कोई भी काम करने से रोकेंगे। जय जीएम, जय जीएम। जीएम, जीएम मतलब गरीब मध्यवर्गीय, अभी बनाया है। जय जीएम, जय जीएम, जय जीएम, जय जीएम, जय जीएम। देखा आप सबने, एक गरीब का गुस्सा, अब देखते हैं इनकी ये आवाज कहाँ तक पहुँचती है। ऑल द बेस्ट टू जीएम। समाज बहिष्करण, समाज बहिष्करण, समाज बहिष्करण।